नमस्कार, मैं जसप्रीत कौर, हेडलाइंस टुडे में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश भर की कुछ अहम खबरें। अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से यह पूछे जाने पर कि क्या वह तालिबान पर भरोसा करते हैं, तो कहते हैं कि मैं किसी पर भी भरोसा नहीं करता, तालिबान को एक मौलिक निर्णय लेना चाहिए। ठीक वही कारण है कि सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट को लागू करने की आवश्यकता है। भारत ने रविवार को काबुल से अपने नागरिकों को निकालने के अपने प्रयास के तहत 3 अलग अलग उड़ान में अपने 329 नागरिकों सहित लगभग 400 लोगों को वापस लाए। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि 14 अगस्त से अब तक अफगानिस्तान से 25,100 कर्मी को निकाल दिया गया है, 3,900 कर्मी को निकाला जाना बाकी है। श्रीलंकी नौसेना द्वारा कथित तौर पर भारतीय मछुआरे पर हमला, 8 मछुआरे बार बार बचे, मछली पकड़ने वाली नाव क्षतिग्रस्त। रूसी रॉकेट ने 34 नए यूके सैटेलाइट को लॉन्च किया। पिछले कुछ महीनों में राज्य मंत्री जॉन बारला की बार बार अलग राज्य की मांग के बाद भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने जलपाईगुड़ी में दावा किया MOS के साथ मंच साझा करते हुए कि उत्तर बंगाल के लिए अलग राज्य की मांग अवैध नहीं है। लॉकेट चैटर्जी ने दिलीप घोष के विपरीत कहा, बंगाल बंगाल में ही रहेगा, उत्तर बंगाल बंगाल से अलग नहीं होगा। गुजरात में महिला डॉक्टर ने मां और बहन को इंजेक्शन से मार डाला, नींद की गोलियां खुद खाकर खुदकुशी की कोशिश की। विश्व एथलीट U20 चैंपियनशिप में भारत की शैली सिंह ने लॉन्ग जंप में सिल्वर मेडल जीता। कर्नाटक में हाई स्कूल और प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज लगभग 18 महीने के अंतराल के बाद आज से कैंपस में छात्रों का स्वागत करते हैं। यात्री ट्रेन खंड घाटे में चल रहा है क्योंकि टिकट किराए में वृद्धि यात्रियों को प्रभावित कर सकती है, इसलिए ऐसे नहीं कर सकते। महामारी के दौरान रेलवे को 36,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। 6 महीने से भी कम समय में पंजाब विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसके साथ ही पार्टी टिकट के इच्छुक नेताओं की तैयारी शुरू। हेती के नागरिक सुरक्षा एजेंसी ने कहा कि इस महीने की तीव्रता 7.2 भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 2,207 हो गई है, जिसमें 344 लोग अभी भी लापता हैं। भारतीय नौसेना का जहाज शक्ति ने 100 टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन लेकर श्रीलंका पहुंची, ताकि राष्ट्र को कोविड महामारी से निपटने में मदद मिल सके। आसाम सरकार ने रविवार को आरोप लगाया कि मिजोरम के अधिकारियों के हेलाकांडी में उसके क्षेत्र में प्रवेश किया और दो पूर्व उत्तर राज्य के बीच नए सिरे से एक नए पुल का निर्माण शुरू कर दिया है। SBI ने श्रीनगर के डल लेक में हाउस बोट पर फ्लोटिंग ATM खोला। देश भर में कुल कोविड मामले 3,53,398 है। मृत्यु हो चुकी है 4,34,367 की। वेस्ट बंगाल में कुल कोविड मामले हैं 9,594, मृत्यु हो चुकी है 18,356 की। सिक्किम में कुल मामले हैं 1,630, मृत्यु हो चुकी है 364 की। हेडलाइंस टुडे में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए SK लाइव।